खबर शाहपुरा से। शाहपुरा जयपुर ग्रामीण पुलिस की डीएसटी टीम व शाहपुरा पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए शहर में दो स्थानों पर बायोडीजल के गोदाम पर छापा मारा। छापे के दौरान पुलिस को करीब 20,000 लीटर बायोडीजल का भंडारण मिला। इस संबंध में गोदाम मालिक ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए, जिस पर पुलिस ने गोदाम को सीज कर दिया। जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शंकर दत्त शर्मा ने बताया कि डीएसटी टीम को शाहपुरा में बायोडीजल के भंडारण की सूचना मिली थी। इस पर डीएसपी सुरेंद्र कृष्णिया के सुपरविजन में शाहपुर थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह एवं डीएसटी टीम ने शाहपुरा के दिल्ली तिराहे व देवन रोड स्थित गोदाम पर पहुंची। यहां पुलिस टीम को भारी मात्रा में प्लास्टिक की टंकियों में बायोडीजल भरा मिला। गोदाम मालिक ने टंकियों को पाइप के जरिए आपस में जोड़ रखा था तथा मोटर का कनेक्शन कर रखा था। पुलिस द्वारा छापे की कार्यवाही की सूचना पर क्षेत्र में हलचल मच गई। पुलिस ने गोदाम मालिक से बायोडीजल के भंडारण के संबंध में दस्तावेज पूछे तो गोदाम मालिक ने बायोडीजल के भंडारण में संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। इस पर पुलिस ने रसद विभाग को सूचना दी। पुलिस ने दोनों गोदामों को सीज कर दिया है। समाचार लिखे जाने तक रसद विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे थे। थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि गोदाम को सीज कर दिया गया है। रसद विभाग के अधिकारियों को सूचित कर दिया है। उनके आने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। खबर शाहपुरा से।